सो नेक्स्ट थ्योरम टू हम कर रहे हैं. थ्योरम टू में वी आर टू शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो सेम कंसेप्ट हम यूज करेंगे जो हमने अभी ये प्रूव किया है. दैट इज लेट अस टेक अ मैट्रिक्स ए. तो इस मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ ए. दोनों चीजें सेम है हमारी. सो अगेन दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, आई कैन राइट ओवर हियर ए प्लस ए. अब हाफ ऑफ, अभी मैंने जो प्रीवियस रिजल्ट किया था अकॉर्डिंग टू दैट सम ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड सम डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए प्लस ए में ए ट्रांसपोज ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया. अगेन जब ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा यू विल गेट द सेम थिंग. सो दिस इज इक्वल टू, अब इसको मैं अलग अलग लिख लूंगी, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. आपने रिजल्ट किया हुआ है कि अगर हम एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं या एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है. सो ये कंसेप्ट हमारा कि हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज था तो ये आ गया प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. अब अगर आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी स्केलर से तो उसमें रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा. स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे भी वो सिमेट्रिक रहती है. अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो देन ऑल्सो आफ्टर दिस मल्टीप्लीकेशन द रिजल्ट विल बी सेम. यानी कि जो आपका मैट्रिक्स होगा दैट विल बी अगेन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो अब ये हमने यहाँ पे शो कर दिया कि दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्योंकि डिफरेंस है तो मैट्रिक्स ए वी हैव एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो इससे रिलेटेड जब भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे आपने क्या करना है, पहले हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, उसको सिमेट्रिक शो भी करोगे, देन हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है, उसको स्क्यू सिमेट्रिक शो करोगे, ट्रांसपोज लेके नेगेटिव के इक्वल शो कर दोगे, एंड देन जो आपकी मैट्रिक्स गिवन होगी उसको आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दोगे. आई एम जस्ट टेकिंग दिस क्वेश्चन नंबर 10 ताकि ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाए कंसेप्ट. 10th का फर्स्ट पार्ट वी आर डूइंग 3, 5, 1, -1. इसी पे बेस्ड है कि एक्सप्रेस करना है हमने गिवन मैट्रिक्स को इन द फॉर्म ऑफ द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. So this is your exercise 3.3, question number 10, part 1. बाकी एक बार मैं discuss करूंगी इसके बाद. अब इसमें मुझे given है 3, 5, 1, -1. ये matrix, let us suppose that this is equal to A. अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, to express it as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, मुझे ये चीज show करनी. तो मैं सम निकालूंगी ट्रांसपोज का और डिफरेंस निकालूंगी ट्रांसपोज का. तो सम और डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू फाइंड द ट्रांसपोज आल्सो. सो राइट डाउन द रो इन द फॉर्म ऑफ कॉलम. सो दिस विल बी 3, 5. अगेन सेकंड रो विल बिकम द सेकंड कॉलम. तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 by 2 की. अब हमने क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ निकालना है. तो मैं उसको मान लूंगी अगेन, लेट पी इज हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज. सो दिस इज हाफ ऑफ मैट्रिक्स ए है आपकी 3, 5, 1, -1 एंड योर ए ट्रांसपोज इज 3, 1, 5, -1. मैंने ये हाफ जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ दिस इज इक्वल टू 3 by 2, 1 by 2, 5 by 2, -1 by 2. स्केलर से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दैट पर्टिकुलर स्केलर. सो दिस इज 3 by 2, 1 by 2, 5 by 2, -1 by 2. अब इनको आप ऐड कर दोगे. सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारा पी ट्रांसपोज चल रहा है, 3 by 2 plus 3 by 2, 6 by 2, that is 3.
5 by 2 plus 1 by 2. यहाँ पे 5 by 2 plus 1 by 2 is again 3. यहाँ मैंने एक mistake की है, जल्दी से rectify करो उसको, मैंने क्या mistake की है. Be quick. One mistake I have made. Check if you can find out or not. Is there any mistake? चलो ये बताओ है या नहीं है. This is minus half, this is minus one. Is there any mistake? कहाँ पे बच्चे? दिस विल बी पी, यहाँ पे पी लिखना है, मैंने पी का ट्रांसपोज लिख दिया है. ओके, सो पी इज इक्वल टू 3/2, 5/2, हाफ माइनस का हाफ. अब मैंने p को एक्सप्रेस कर दिया हाफ ऑफ सम ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज. अब क्योंकि मैंने ये रिजल्ट किया था कि ये हमेशा मेरा सिमेट्रिक होता है, तो अब मुझे p को शो करना है दैट p इज सिमेट्रिक. तो लेट अस टेक इट्स ट्रांसपोज. दिस इज 3, 3, 3 एंड माइनस वन. इसका ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो फर्स्ट रो वी विल राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट कॉलम. So this is 3, 3. First row को मैंने first column लिख दिया, then second row को I will write down in the form of second column. अब if you see this 3, 3, 3 minus 1, ये हमारा transpose आया है which is equal to P. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, P transpose is equal to P. It means P equal to half of A plus A transpose is symmetric. ये मैंने show कर दिया कि सम जो है ये चीज वो सिमेट्रिक. मम्मी योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. क्यू सिमेट्रिक शो कर रहे हैं, तो क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज.
हाफ दोनों से मल्टीप्लाई हो गया तो हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज। तो हमने क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस को वैल्यूज पुट कर देनी है, ए की भी और ए ट्रांसपोज की भी। देन हाफ हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे बीच में नेगेटिव साइन था तो अकॉर्डिंगली वी हैव सॉल्वड इट। 3/2 माइनस 3/2 इज 0, 5/2 माइनस 1/2 इज 4/2 दैट इज 2, हाफ माइनस 5/2 दैट इज माइनस 4/2 यानी कि माइनस 2, एंड देन माइनस हाफ प्लस हाफ दैट इज 0। अब यहाँ पे देखो आपके जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या बन गए, 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फर्स्ट जो हमें कंडीशन चेक करनी होती है दैट द डायगनल एलिमेंट्स आर 0, वो हमारी यहाँ पे ट्रू हो रही है। अब हमने शो करना है दैट क्यू ट्रांसपोज जो है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्यू। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है क्यू का, दैट इज जो आपका रो है यू विल राइट डाउन इट इन द कॉलम फॉर्म। उसके बाद यहाँ से मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो दिस इज 0 2 -2 0, हर एलिमेंट का साइन चेंज हो गया। अब 0 2 -2 0 दैट इज इक्वल टू क्यू, यानी कि क्यू का ट्रांसपोज जो है दैट इज इक्वल टू माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, एंड दिस मैट्रिक्स इज क्यू, यानी कि हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मुझे शो क्या करना था, मैट्रिक्स ए को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना था। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स आप लिख दोगे 3 1 5 -1, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की जो आपकी वैल्यू आई थी वो लिख दोगे, देन प्लस का साइन, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, देन प्लस का साइन, उसके बाद जो आपका ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया है दिस यू विल राइट डाउन 0 2 -2 and 0। आपने अपना आंसर यहाँ पे छोड़ देना है क्योंकि उसने क्या कहा, एक्सप्रेस ए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये ए है, वी हैव एक्सप्रेस्ड इट इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन केस अगर वो आगे कहता है कि वेरीफाई द रिजल्ट ऑल्सो, फिर आपने इसको एड करके इसके इक्वल शो करना है, अदरवाइज हमारा आंसर यही खत्म हो जाता है। ये आपकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम हो गया। अगर एक्सप्रेस का आता है क्वेश्चन तो यहाँ तक छोड़ देना है, अगर आता है कि एक्सप्रेस ए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये करने के बाद साथ में अगर क्वेश्चन में है ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट, वेरीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करो, 3 + 0 = 3, 3 + 2 = 5, 3 - 2 = 1, -1 + 0 = -1। फिर आप ये मैट्रिक्स इक्वल टू सेम चीज लिख दोगे यहाँ पे 3 - 5 - 1 = 3 - 5 - 1, एंड देन यू विल लीव योर आंसर। बट इफ द क्वेश्चन इज कि एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स इन द एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन यू विल लीव योर आंसर ओवर हेयर ओनली, क्योंकि हमने ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली और इसके सम की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर दिया। इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस क्वेश्चन देन यू कैन आस्क, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन यू कैन आस्क। ओके फाइन, देन वी आर जस्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकेंड पार्ट में करवा रही हूँ, दैट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। देन थर्ड एंड फोर्थ पार्ट जो है इसके दैट विल बी योर होमवर्क पार्ट्स। अगेन सेम वे में आपने करना है, मैट्रिक्स ए ले लोगे देन उसका ट्रांसपोज ले लोगे, देन हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, सेम वे में हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, और लास्ट में ऐसे ही सम फॉर्म में एक्सप्रेस कर। सो मैट्रिक्स ए लेट ए इज इक्वल टू 6 - 2 2, सेकेंड रो इज -2 3 - 1, एंड द थर्ड रो इज 2 - 1 3। पहला स्टेप इसका ट्रांसपोज निकालना है, सो दिस इज ए ट्रांसपोज, राइट डाउन द रोज इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स, या कॉलम्स को रोज की फॉर्म में भी लिख सकते हो, इन एनी वे यू कैन राइट डाउन 6 - 2 2, देन -2 3 - 1। ये वैसे आपको ऑलरेडी दी हुई है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपका जो मैट्रिक्स है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बिल्कुल सेम आएंगे। अब हमने करना है लेट पी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांस,
पी मैट्रिक्स को हमने शो करना है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे आगे हाफ भी लगा देना। ये स्टेप्स जो हैं सेम रहेंगे हर एक उसमें आपके। सो दिस इज हाफ ऑफ मैट्रिक्स ए, 6 - 2, 2 - 2, 3 - 1, 2 - 1 and 3, प्लस हाफ ऑफ ट्रांसपोज भी आपका बिल्कुल सेम है, तो वी विल राइट डाउन द सेम वैल्यू, 6 - 2, 2 - 2, 3 - 1, 2 - 3 and 1, दोनों को ऐड कर दोगे एंड देन आपके पास जो है इनका सम आ जाएगा। नाउ सी दिस, हाफ ऑफ 6, 3 प्लस हाफ ऑफ 6, 3, 3 + 3 is 6। फर्स्ट रो में बताऊंगी, अदरवाइज बाकी जो है मैं आई विल राइट डाउन द रिजल्ट डायरेक्टली। हाफ ऑफ -2 is -1, हाफ ऑफ -2 is -1, -1 + -1 is -2। नाउ द थर्ड एलिमेंट, हाफ ऑफ 2 is 1, हाफ ऑफ 2 is 1, 1 + 1 is 2। तो आपकी जो फर्स्ट मैट्रिक्स आएगी वो आपकी क्या आ गई, हाफ ऑफ दिस 6 - 2, 2 फर्स्ट रो आ गई। सेकेंड रो ऐसे ही आप निकालोगे, दैट विल बी -2, 3 and -1, दैट विल बी 2 - 3 and 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई P। अब हमने P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P शो करना है, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो सेम इक्वल टू P, 6 - 2 and 2, then -2, 3 - 1, then 2 - 1 and 3। तो यहाँ से P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P आ गया। इट मीन्स मैट्रिक्स जो आपकी P है दैट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इम्प्लाइज P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P symmetric matrix है means half of A plus A transpose is symmetric. Same way में you will show कि आपका जो Q minus Q dash है that is skew symmetric. I think bell is about to go. You will be having your next class at 9:10 you are having.